सब्सक्राइब करें रिया ड्रेस मेकर चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिया ड्रेस मेकर। आज हम इस वीडियो में 1 to 2 ईयर बेबी के लिए बेबी फ्रॉक बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने स्काई ब्लू कलर का फैब्रिक लिया है, कॉटन का, वो है 1.5 मीटर। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। इसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। टॉप पार्ट की लेंथ हमने लिया है 10 इंचेस। अब यहाँ पे हम शोल्डर की ब्रॉडनेस लेंगे 4.5 इंचेस। और यहाँ से आर्म होल की लेंथ लेंगे 5 इंचेस। लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम चेस्ट का पार्ट लेंगे। चेस्ट हमने लिया है 6.5 इंचेस। कमर की ब्रॉडनेस हमने लिया है 6 इंचेस। क्रॉस में इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे हम आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह मैंने फ्रंट और बैक के लिए 2 पार्ट कट कर लिए हैं। अब हम नेक की चौड़ाई लेंगे 1.25 इंचेस और नेक की लेंथ हम लेंगे 4 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। अब हम बैक पार्टी नेक की चौड़ाई लेंगे। यहाँ पे भी हम 1.25 इंचेस पे मार्क करेंगे और नेक की लेंथ 3.5 इंचेस और इस तरह राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। अब दोनों पार्ट की नेक हम कट कर लेंगे। इस तरह आर्म होल में भी हम कट लगाएंगे। इसी तरह बैक पार्ट की नेक भी हम कट कर लेंगे। इस तरह मैंने दोनों पार्ट की नेक कट कर ली है। अब हम बॉटम पार्ट लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया है। इसकी लेंथ है 18 इंचेस है। इसे इस तरह 2 फोल्ड करेंगे। और नीचे इस तरह फोल्डिंग है, इसे हम कट कर लेंगे और 2 पीस बनाएंगे फ्रंट और बैक के लिए। अब हमने टॉप का 2 पार्ट लिया है। इसके नेक में स्ट्रिप अटैच करेंगे। हमने यहाँ पे क्रॉस में कटी हुई स्ट्रिप ली है। स्ट्रिप को टॉप पार्ट के राइट साइड रखेंगे और इसे रॉन्ग साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह मैंने दोनों पार्ट में नेक अटैच कर लिया है। बैक का पार्ट लेंगे। इसे इस तरह 2 फोल्ड करेंगे और नेक के सेंटर में से हम इसे नीचे तक कट लगाएंगे। इस तरह कट करेंगे और 2 पार्ट बनाएंगे। ये हमारा बैक का पार्ट है। इस तरह मैंने 2 पार्ट कट कर लिए हैं। अब मेरे राइट साइड 1 इंच की स्ट्रिप ली है। इसे टॉप पार्ट के राइट साइड अटैच करेंगे और इसे रॉन्ग साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। और मेरे लेफ्ट साइड मैंने 2 इंच की स्ट्रिप ली है। इस स्ट्रिप को हम टॉप पार्ट के रॉन्ग साइड इस तरह अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद हमें इसे राइट साइड टर्न कर लेना है। अब इस स्ट्रिप को राइट साइड इस तरह टर्न करते हुए यहाँ पे फैब्रिक को फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह मैंने दोनों स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अब नीचे मैंने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है नीचे से।
अब हमने टॉप का बॉटम पार्ट का दो पीस लिया है, इसके ऊपर की किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे, बड़े नंबर वाली सिलाई लगाएंगे। इस तरह सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ से एक धागे को पकड़ के खींचेंगे और गैदरिंग बना लेंगे। इस तरह कमर की जितनी ब्रॉडनेस होगी इतना हम बॉटम पार्ट को इस तरह गैदरिंग बनाएंगे। इस तरह दोनों पार्ट को हम गैदरिंग बनाएंगे। अब यहाँ पे मैंने बैक का राइट साइड लिया है, इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को उल्टा रखेंगे और शोल्डर अटैच कर लेंगे। इस तरह शोल्डर अटैच कर लिया है। अब आर्म होल में हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। इस स्ट्रिप को मैंने क्रॉस में कटी है। इस स्ट्रिप को हम राइट साइड इस तरह रखते हुए रॉन्ग साइड फोल्ड करेंगे। इसी तरह दूसरी स्ट्रिप को भी हम अटैच कर लेंगे। तो आर्म होल में मैंने स्ट्रिप अटैच कर ली है। अब हमने फ्रंट पार्ट लिया है, इसके सेंटर में हम मार्क करेंगे। अब मार्क के दोनों साइड 2-2 इंच पे मार्क करेंगे। अब इस लेस को हम यहाँ से इस तरह को उसमें एक शोल्डर तक अटैच करेंगे, शोल्डर से नीचे स्ट्रेट में अटैच कर लेंगे बैक पार्ट में। इसी तरह दूसरी तरफ भी हम इस तरह फ्रंट पार्ट में क्रॉस में अटैच करेंगे शोल्डर तक, और बैक पार्ट में इस तरह स्ट्रेट में अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने दो बेल्ट लिए हैं, इस बेल्ट को हम इस लेस के साथ इस तरह अटैच करेंगे, नीचे 1/2 छोड़ते हुए हम ऊपर की तरफ रखेंगे। इस तरह मैंने बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट में हम बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। मैंने टॉप पार्ट को इस तरह राइट साइड रखा है और इसके ऊपर हम बॉटम पार्ट को उल्टा रखेंगे। और इसे हम अटैच कर लेंगे। इस तरह बैक पार्ट को भी हम टॉप और बॉटम को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह मैंने टॉप बॉटम को अटैच कर लिया है। अब दोनों पार्ट के राइट साइड को मिलाते हुए हम फिटिंग करेंगे। इस बेल्ट को इस तरह अंदर की तरफ रखेंगे ताकि सिलाई में ना आ जाए। दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाएंगे। इस तरह अच्छे से मिलाने के बाद हम दोनों तरफ 1 इंच की मार्जिन रखते हुए नीचे तक हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है। अब नीचे की बॉर्डर को हम रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह मैंने नीचे की बॉर्डर पे सिलाई लगा दी है। अब इसे राइट साइड टर्न करेंगे। तो यह है हमारा फ्रंट का पार्ट और इस बेल्ट को मैंने यहाँ से अटैच कर लिया है। और यह है बैक का पार्ट। बैक में हमने यहाँ पे आई हुक के लिए स्ट्रिप अटैच की है। अगर आप जिप अटैच करना चाहते हैं तो जिप भी अटैच कर सकते हैं।
तो इस तरह मैंने यह ब्यूटीफुल फ्रॉक रेडी कर लिया है। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करेगा ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।